मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब रिजल्ट के फॉर्मूले पर विचार चल रहा है। एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के रिजल्ट के 3 फॉर्मूले सरकार के पास पहुंचे हैं। सोमवार को इस पर फैसला संभावित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्कूल शिक्षा विभाग के साथ बैठक कर इन 3 फॉर्मूलों में किसी एक पर मुहर लगा सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि CBSE की तरह एमपी बोर्ड भी रिजल्ट में 11वीं को शामिल नहीं किया जाएगा। इस पर प्राइवेट स्कूलों ने भी असहमति जताई है। कोरोना काल के कारण पिछले साल भी 11वीं की परीक्षाएं नहीं हो पाई और सबको 12वीं में प्रवेश दे दिया गया था। कई स्कूलों ने 11वीं की मार्कशीट भी तैयार नहीं की है, इसलिए 11वीं को इस फॉर्मूले में शामिल नहीं किया जा सकता। बच्चों के पास परीक्षा का विकल्प मौजूद रहेगा। आपको बता दें कि जो 3 फॉर्मूले मिले हैं, इसमें पहला फॉर्मूला 10वीं के रिजल्ट को आधार बनाकर 12वीं का रिजल्ट तैयार किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक पेज ये आड़े आ रहा है कि 10वीं में 6 विषय रहते हैं और 12वीं में 18 विषय होते हैं। दूसरा फॉर्मूला 10वीं के रिजल्ट का 60% और 12वीं की 6 माही परीक्षाओं के नंबरों को 40% आधार बनाकर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद एमपी बोर्ड बच्चों को एक विकल्प देगा। जो बच्चे इस तरह के रिजल्ट से खुश नहीं होते हैं तो वह आने वाले समय में होने वाली परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसका मतलब जिसे औसत रिजल्ट से परेशानी नहीं है उसे परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। सोमवार को 12वीं का रिजल्ट किस तरह से बनाया जाएगा, किस फॉर्मूले पर बनेगा, इस पर फैसला होगा।